कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कानून की प्रतियां जला रहे हैं। वहीं किसानों ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर किसानों के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप लगाए हैं। किसानों के इन आरोपों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं किसानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने केवल सच्ची बातें कही हैं। मैं खुद किसान हूँ और किसान के हक में हूँ। मैंने आज तक किसानों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। 19 साल के लंबे समय के बाद किसानों के हित के ये कानून लागू हुए हैं। कुछ लोग इसको लेकर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। मैंने गलत फहमियों का विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसानों को कुछ गलत लगता है, कोई शंका है, तो सरकार से उसका जवाब मांगना चाहिए और जवाब सुनना भी चाहिए। केवल प्रश्न करते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, मैंने आज तक कभी भी किसानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। मैंने सच्ची बातें कही हैं। मैंने ये कहा है कि अगर इन किस बिलों का विरोध करें, ये बिल किसानों के हित के बिल हैं। जो प्रतिनिधि किसानों ने चुने थे, उन्हीं प्रतिनिधियों ने ये बिल बनाए और इन बिलों को पास करने में 19 साल लगे और 19 साल में पूरा एक आप देखो कि 5 बार जो चुने गए, 4-5 बार जो MP चुने गए, उन लोगों ने बनाए। ये कोई ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी ने बनाए, एक वर्ग ने नहीं बनाए। इतने लंबे टाइम तक 2001 से एक प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद अब जाके कानून लागू है, तो वो सोच विचार करें। ऐसा तो था, वो हमारे ही प्रतिनिधि चुने थे और उन्होंने जो कानून बनाए तो वो किसान के हित के थे। और इन्होंने जिस प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों में वो गलतफहमियां इन्होंने पैदा भी कर दी कि भाई मंडी समाप्त हो जाएगी और जमीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा। अब कोई आदमी कहीं तो समझाए इस बात को कि कैसे कब्जा होगा। अडानी अंबानी कैसे कब्जा करेंगे, वो समझा तो दो, कहीं पार्लियामेंट में समझा दो, विधानसभा में समझा दो, टीवी डिबेट में समझा दो, कहीं नहीं समझाते। लेकिन कहते हैं कि तो मैंने अगर विरोध किया तो मैंने उन गलतफहमियों को विरोध किया, मैंने अगर विरोध किया तो मैंने इस बात का विरोध किया कि अगर ये स्टेज पे खड़े के कहते हैं कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये गलत है, मैंने उसका विरोध किया। अगर ये कहते हैं कि वैक्सीन सही नहीं है, मैंने उसका विरोध किया। अगर ये कहते हैं कि भाई इसका कोरोना टेस्ट नहीं कराएंगे, मैंने उसका विरोध किया। मैंने किसान का विरोध कहीं नहीं किया और उससे प्रभावित मैं और मेरा समाज होता है, जो सारा समाज है, सारा देश है। अगर कोई भी आदमी उस गलत बात को मान के उसको अपने आचरण में लिया और उसका नुकसान हो गया तो वो देश और समाज का नुकसान है। किसी के साथ भी इंसाफ होगी, किसी ने इस बात का यकीन कर लिया कि नहीं मैं तो कोरोना टेस्ट नहीं कराऊंगा और कोरोना कोई चीज है नहीं, और मान लो खुदा ना खास्ता उसको होगा और उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना आएगी तो क्या मतलब क्या परिणाम होगा उसके। तो मैंने अगर विरोध किया तो मैंने वो सच्चाई प्रकट करी। जो मेरी बातें हैं वो वैज्ञानिक सच है, कोई मेरे मेरे कहने से सच नहीं होती, वो विज्ञान मानता है कि वो सच है, वो बातें मैंने कही। मैंने कभी किसी का इस प्रकार से विरोध नहीं किया और मैं हमेशा से इस बात के पक्ष में रहा हूँ कि कोई भी आदमी अपनी बात कहना चाहता है तो उसको राइट होना चाहिए। और अगर किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, मान लो उससे सहमत नहीं, उन्हें प्रतियां जलाई, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। और अगर वो कोई बात कहना चाहते हैं, उनके पास राइट है, संविधान ने उनको अधिकार दे रखा अपनी बात कहने का, वो अपनी बात कहें। लेकिन मैं इस बात से उनकी सहमत नहीं हूँ कि अगर दूसरा व्यक्ति बात कहे उसको कहने दें और आप उसको डिस्टर्ब करें, मैं उसके खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी बात कहें, विपक्ष भी अपनी बात कहे, सरकार भी अपनी बात कहे, सरकार उसका जवाब दे। और अगर आप सरकार से जवाब ही नहीं लेंगे तो फिर विरोध किस बात का कर रहे हैं आप सरकार से प्रश्न करो ताकि सरकार जवाब दे। बार बार प्रश्न करो सरकार से कि हमारी बात का जवाब दो, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी बात का जवाब दो, तो जवाब सुनना चाहिए। लेकिन आप कहो कि प्रश्न तो कराएंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे तो वो बात गलत है। मेरा कहना ये है, मैं किसान के विरोध में नहीं, मैं 100% मैं स्वयं किसान हूँ, 100% किसान के हक में। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।